नमस्ते ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज का तारीख 4 अगस्त 2019, और जैसे आप पीछे चार्ट में देख सकते हैं, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। लगातार 5 हफ्ते से बाजार फिसल रहा है, और मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही आता है कि ये कब थमेगा, व्हाट आर द लेवल्स टू वॉच फॉर, और सपोर्ट्स कहाँ पे है। आप नोटिस किए होंगे कि इस मेरे स्क्रीन पर मैंने tradingview.com यूज़ किया है। tradingview.com मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके जो टूल्स है, स्पेशली फिबोनाची के जो टूल्स है और जो चैनल ड्रॉस के टूल है, वो काफ़ी अच्छे हैं। और गुड न्यूज़ ऑल्सो, मुझे रिसेंटली पता चला कि tradingview.com में अब आपको रियल टाइम डेटा NSE का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप tradingview.com के बारे में नहीं जानते तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ के रखा है, बिल्कुल चेक कीजिएगा। आपको पूरा दुनिया भर का डेटा मिलता है, प्लस NSE का फ्री रियल टाइम डेटा विद दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। सो एनफ ऑफ दैट, यहाँ आते हैं और डिस्कस करते हैं निफ्टी का मीडियम से लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहाँ पे है और हम इस बाजार से आगे जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दो चार्ट यूज किए, दोनों ही निफ्टी स्पॉट के वीकली चार्ट्स है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ये वाले चार्ट पे मैं पहले आता हूँ। इसमें कुछ दो चैनल्स ड्रॉ किए हुए, और आप अगर मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने ये चार्ट शेयर किया था, जहाँ पे मैंने टेल ऑफ टू चैनल्स इसका नाम दिया था। ये चैनल प्राइस चैनल्स एग्जैक्टली नहीं है, ये चैनल्स मैं RSI 14 के बेसिस पे ड्रॉ करता हूँ। और दिसंबर 16 का जो लो है वो बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज इस दरमियान यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है, यहाँ पे आपका डीमोनेटाइजेशन और डोनाल्ड ट्रंप, ये डबल न्यूज़ आया था जिसके बेसिस पे 500 पॉइंट मार्केट फिसला था, एक डबल बॉटम जैसा फेज बनाया था, और उसके बाद कभी ये मुड़के वापस देखा ही नहीं। सो दिसंबर 16 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी, एंड ये जो दिसंबर 16 का लो और अक्टूबर 18 का लो है, ये न्यूज़ के कारण मैंने डिसाइड या चूज़ नहीं किया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये लोज RSI 14 से निकल के आता है। RSI 14 ने इस दरमियान एक ऐसे लोज बनाए थे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट और द चार्ट। सो चैनल नंबर वन इज दिस राइजिंग ब्लू कलर्ड, जहाँ पे ऊपर आपका यहाँ पे जैन 18 और अगस्त 18 के हाइज है, और नीचे में लोज है दिसंबर 16 और अक्टूबर 18 का। और इस चैनल का जो सपोर्ट निकल के आता है वो लगभग 10,800 के आसपास। हम अगर रीसेंट लास्ट वीक का लो कंसीडर करें निफ्टी का, वो है 10,850 के आसपास। सो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट अभी इस ब्लू चैनल का सपोर्ट के पास आ चुका है, रुकेगा थमेगा कि नहीं। अगर हम और थोड़ा जूम इन करके नोटिस करें तो इस दरमियान जहाँ पे नवंबर 18 से फेब 2019 के बीच अपने को ये प्राइस क्लस्टर साफ दिखता है, ये वाला, और यहाँ पे बाजार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बना चुका था, और पोलैरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है या कर सकता है। सो राइट नाउ जहाँ पे बाजार लास्ट वीक बंद दिया था, यहाँ पे अपने को एक क्लस्टर दिखता है चैनल सपोर्ट और प्रीवियस पोलैरिटी सपोर्ट का। सो 10,800 on the basis of this chart is a pretty strong support, number one. Number two, agar ye 10,800 ka level range ya fir ye jo black color ka box maine draw kiya, sochiye agar bazaar isko bhi respect nahi karta hai, tod deta hai, to aage aur jaake kahan damage ho sakta hai. Next jo channel hai wo kafi horizontal hai, jo maine October 18 ka jo lows hai, yahan August 2018 ke jo highs hai, इस जोन से निकाला है, और उसका सपोर्ट निकल के आता है इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। यहाँ पे भी लोज है मार्च 2018 का, मार्च और अक्टूबर 2018 का लोज, लगभग साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 10,000 का। नाउ डरिए मत, बट द पॉइंट इज, जब तक यू नो एज ऑफ नाउ हम लोग ने 5 वीक का कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखा है, एंड मेरे हिसाब से लगता है कि ये 10,800 का रेंज ये रेस्पेक्ट करेगा, बाउंस बैक मिल सकता है 11,200 के आसपास, और अगर सेकेंड लेग ऑफ फॉल आया, मींस अगर यहाँ से यहाँ मुझे एक बाउंस बैक मिलता है, और अगर बाउंस बैक जहाँ पे भी लेके जाएगा, और अगर सेकेंड लेग ऑफ फॉल आता है
और जो ये करंट लोज को अगर तोड़ देता है तो अपने लिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल जो हम लोग ने ड्रॉ किया है वो 10,000 का निकल के आता है. दैट्स नंबर वन. अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं फिबोनाची के साथ. तो मैंने यहाँ पे ऑन माय राइट हैंड साइड निफ्टी का वही वीकली चार्ट, लेकिन लाइन चार्ट मैंने कंसीडर किया है. आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं और आप अगर मेरे मेंटरशिप ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग लाइन चार्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं. तो यहाँ आते हैं, ये रहा अपना दिसंबर 2016 का लो, ये यहाँ पे नीचे. सो यहाँ से अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, चलिए यहाँ आते हैं. ये रहा, यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस लो पॉइंट से यहाँ हाई तक, और सॉरी सारे के सारे फिबोनाची लेवल्स को मैं ड्रॉ करता हूँ. सो यहाँ पे निकल के आता है अपना, आप नोटिस करेंगे 23.6% एग्जैक्टली अभी करंट लेवल के आसपास है, 10,980 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ने बंद दिया है. नंबर वन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लो अपने प्रीवियस चार्ट में हम लोगों ने देखा था, ये वाला था अक्टूबर 2018 का. यहाँ से भी अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें क्लोज टू क्लोज बेसिस, तो अब हम ढूंढेंगे कि क्लस्टर्स कहाँ मिलता है. ओके, सो ये जो छोटे वाला फिबोनाची है अक्टूबर 18 के लोस से, इसका 23.6 एंड 38.2 तो नेगेट हो चुका है. तो हम काम करते हैं, इनको हटा देते हैं. अब देखते हैं कि साफ यहाँ पे 23.6 और 50%, ये दोनों फिबोनाची का एक साफ क्लस्टर यहाँ पे है. चलिए इसको मार्क कर देते हैं. सो 10,900-10,800 का जो रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ लाते हैं. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फिबोनाची लेवल है वो इस अक्टूबर 18 का जो फिबोनाची लेवल यहाँ पे निकल के आता है 61.8, यहाँ पे कोई क्लस्टर है नहीं, बट उसके नीचे यहाँ पे 10,400 के आसपास और एक फिबोनाची क्लस्टर है. तो नेक्स्ट वी कैन पुट इट डाउन हियर 10,400, और उसके नीचे अक्टूबर 2018 का फिबोनाची तो ख़त्म हो चुका है, और उसके नीचे यहाँ 9,940-50 के आसपास 50% करेक्शन का एक सोल फिबोनाची है. तो इसको भी हम लोग मार्क करके छोड़ते. सो फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पे अगर हम नोटिस करें तो पहला क्लस्टर करंट मार्केट प्राइस के पास है 10,800-10,900. इट्स अ गुड थिंग क्योंकि आप यहाँ पे ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने चैनल्स ड्रॉ किया है, और ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, 10,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है. 10,800 के लेवल को अगर बाजार रेस्पेक्ट करता है और अपने को बाउंस बैक दिखता है देता है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी कि टिकता है कि नहीं. और अगर टिक गया देन वी वुड प्रॉबली फाइंड सम सोलेस, और अगर नहीं टिकता है और अगर करंट क्लोजिंग लोज को तोड़ देता है बाजार, देन चैनल के बेसिस पे तो 10,000 दिखता है, और फिबोनाची क्लस्टर के बेसिस पे 10,400, और उसके बाद फिबोनाची के बेसिस पे भी 10,000 का एक लेवल निकल के आता है मार्केट में. सो ओवरऑल अगर हम लोग इस पूरे मार्केट को कंसिडर करें तो वी कैन क्लियरली सी दैट करंट मार्केट कंडीशन इज एट द सपोर्ट 10,014 एंड देन द 10,011. बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो मैं आपको एक सिंपल चीज़ शेयर करना चाहूँगा. देखिए, इन अ हेल्दी बुल मार्केट करेक्शंस टू द ट्यून ऑफ 15% या 15% से भी ज़्यादा करेक्शंस बुल मार्केट में होते हैं, एंड उसका होने का कारण कुछ भी हो सकता है. आप अगर 2008 के दरमियान बाजार में थे तो आप नोटिस करेंगे कि तब इनफैक्ट 25-30% का हाई टू लो करेक्शन भी हुआ है, और बाजार ने नए हाइस भी बनाए थे. ये मैं बुल मार्केट बोल रहा हूँ 2003 से 2007 का एंड तक. करेंट जो मार्केट सिनेरियो है इसको अगर आप नापे तो आप देखेंगे कि वी आर ऑन अ करेक्शन ऑफ क्लोज टू 10% ऑन अ हाई टू लो बेसिस. इसके पहले का जो करेक्शन था बाजार में वो भी ऑन अ हाई टू लो बेसिस उससे ज़्यादा था, 14.9-15% के आसपास था. सो एज ऑफ नाउ जो सेल ऑफ हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस हेल्दी. मैक्रो इश्यूज है
वो रहेंगे या कैसे सॉल्व होंगे वो उन पे छोड़ देते हैं। बट प्राइस के बेसिस पे जो करेक्शन हुआ है वो काफ़ी हेल्दी है, करेंट स्टेट पे सपोर्ट्स पे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे है, और हम लोग आगे जाके उस लेवल्स के लिए तैयार रहेंगे। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पर्सनली लगता है 10,800 का लेवल रेस्पेक्ट होना चाहिए और ऊपर जाके 11,000 और 11,200 का रेंज एक बार रीटेस्ट करने का कोशिश करेगा। हम लोग क्लोजली नोटिस करेंगे, वॉच करेंगे कि क्या 11,200 पे फिर से सेलिंग बाज़ार को दिखता है, मिलता है या नहीं। बट बाज़ार तो वही करेगा जो बाज़ार को करना है, और हम लोग भी वही करेंगे जो हम लोग को करना है, होमवर्क करेंगे और बेस्ड ऑन दैट प्रिपेरेशन लेंगे और बेस्ड ऑन दैट ट्रेड करेंगे। सो ये रहा एक वीडियो, माय थॉट्स ऑन द मार्केट करेक्शन एंड वेयर इट कैन लीड अस फॉरवर्ड। आप अपना फीडबैक सजेशंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आई विल लुक इनटू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एंड आगे जाके देखते हैं व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर अस। टिल देन एज आई ऑलवेज से एवरीवन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज।